रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इन दिनों पूरे मीडिया में शारिक कुरैशी और उनीबा कुरैशी का मामला छाया हुआ है। भारत से कतर गया हुआ ये जोड़ा, ये दंपत्ति, इनकी पैटर्नल अंट है, मानीवी खाला चाची जो भी कह ले, तबस्सुम। इसने इन्हें जबरन अपने खर्च पर हनीमून के लिए भेजा, जबकि उनीबा उस वक्त गर्भवती थी, जाने का मन नहीं था, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने इतना खर्च कर दिया है, इतना पैसा मैंने लगा दिया है, अब वो सारा ज़ाया हो जाएगा, ऐसा दबाव डाल करके उसने इस दंपत्ति को भेजा। और आखिरकार तबस्सुम द्वारा दिया गया बैग जिसमें हशीश निकला, और हशीश निकलने के बाद ये जोड़ा सीधा कतर की जेल में पहुंच गया। ठीक बिल्कुल ऐसी एक दास्तान मुमरा की है। हम अभी फिलहाल इस दास्तान का जो भुक्तभोगी परिवार है, कोरे मियां मुशर्रफ हुसैन मिर्ज़ा, हम उनके परिवार के साथ बैठे हैं। हमारे साथ कोरे मियां की पत्नी है, उनकी मम्मी है, ये देख सकते हैं आप, इनके घर पर हम बैठे हैं। पिछले अप्रैल 2019 से कोरे मियां भी कतर की जेल में बंद है, और इत्तफाक की बात है कि उनीबा कुरैशी के शौहर शारिक कुरैशी के साथ ही जेल में बंद है, और कोरे मियां मुशर्रफ हुसैन मिर्ज़ा को भी इसी तबस्सुम ने साजिदा नाम से संपर्क कर बाहर भेजा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कोरे मियां को बाहर भेजा। कोरे मियां कामकाज के चलते परेशान थे, काम की तलाश में कोरे मियां ने पार्सल कतर पहुंचाने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से कोरे मियां मुशर्रफ हुसैन मिर्ज़ा को साजिदा एक बैग देती है, जिसमें कहती है कि चॉकलेट है, बिस्किट्स है, बच्चों की खाने पीने की चीज़ें, यही देना है, और 2 से 3 दिन में लौटने वाली बात उसने बताई थी। जबकि माँ और कोरे मियां की पत्नी दोनों का दिल नहीं मान रहा था, दोनों मना कर रहे थे, मगर फिर भी कोरे मियां चले गए। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से कोरे मियां यहाँ से अप्रैल 2019 में साजिदा के संपर्क के चलते कतर गए, और आज कतर की जेल में ड्रग्स की केस में वो भी जो है कुरैशी दंपत्ति की तरफ फंसे हुए हैं। जी क्या बताएंगे आपके शोहर के बारे में, आप किस तरीके से कतर गए, ये साजिदा कौन है, कैसे कोरे मियां के वो संपर्क में आई, और कैसे उनका ये पार्सल लेकर के कोरे मियां कतर गए? हमारी सिस्टर है, कज़िन सिस्टर, उनके थ्रू वो इनसे कांटेक्ट करी, और फिर फ़ोन पे उसकी लगातार बातें होती रही, और ये पीछे लग गई कि आप जाइए जाइए, मैं कुछ नहीं ऐसा उसमें, आप मेरे पे भरोसा करिए, कुछ नहीं होगा आपको, मेरे पे भरोसा करिए भाई, ऐसी टैबलेट है और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं, ये आप पहुँचा दिएगा, 2-3 दिन आपको वहाँ पर होटल में रुकना है, वहाँ सामने आदमी आएगा, उसको ही आपको बैग देना है, बस यही कह रही थी वो। अच्छा, तो फिर कोरे मियां 19 अप्रैल 2019 को यहाँ से गए? जी जी बराबर जी हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि कोरे मियां जो है आपके शौहर जो है वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर या जहाँ कहीं भी कतर में उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उनके पास ड्रग्स मिला, ये कैसे पता चला? हमको मैसेज आया था। अच्छा। रात में, हाँ सिर्फ बस जरा सा, फिर वो ऑन द स्पॉट डिलीट हो गया था। अच्छा। फिर 2 दिन के बाद पुलिस वालों ने कॉल करवाया था। कहाँ की पुलिस ने कॉल करवाया? कतर की। हाँ। अच्छा। हम लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, फिर 2 दिन के बाद पता चला कि उनको इस ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ लिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि अभी पूरा वहाँ पर कोरे मियां का मामला जो केस का, जो ड्रग्स केस का है, तो क्या अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, सुनवाई हो चुकी है, सज़ा हो चुकी है, क्या है पूरी बात? कानूनी कार्रवाई भी हो गई है और सज़ा लागू हो गई है, मतलब जी जी। कितनी सज़ा सुनाई गई है? 5 साल की। 5 साल जी। तो पहले उससे कुछ ज़्यादा थी क्या? 10 साल थी, तो कम हो के 5 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कतर के जेल से कोरे मियां से आपका संपर्क अभी भी होता है, कॉन्टैक्ट होता है, कैसे होता है? जी हाँ, 15 दिन में पुलिस वाले फ़ोन करवाते हैं, 15 दिन में। अच्छा, ये आपका 15 दिन में कतर पुलिस आपसे, आपके शोहर से बात कराती है, कोरे मियां से बात कराती है, तो कोरे मियां ने आपको क्या जानकारी दी फ़ोन पर आज तक का, जितनी भी बार बात हुई है,
कौन उनके साथ में है, कहाँ के लोग हैं, उनकी केसेस क्या है, कुछ जानकारी दी है इस बारे में? हाँ जी, वो जो ये है शारिक कुरैशी है, मुंबई के जो शारिक जी मीडिया जी जी, वो उनके साथ ही है। हाँ। मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वही उन्हीं के साथ सोते भी है। अच्छा। मस्जिद में ही ये लोग रूम में नहीं सोते। अच्छा। मस्जिद में दोनों सोते हैं। और अभी आप बता रही थी कि कुछ आपके शोहर ने आपको बताया कि ड्रग्स के केस में मुमरा के भी और कुछ लोग वहां पर फंसे हुए, मुमरा के लोग, शादी महल के, शादी महल, हाँ, कसाई है लोग, कसाई कुरैशी लोग हैं। करा, हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 1.5 साल से आपके शोहर कतर की जेल में है, ड्रग्स के केस में है, तो आपका घर खर्च कैसे चलता है, किस तरीके से आप गुजारा कर रही है, किन हालात का आपको सामना करना पड़ता है? हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, मम्मी जो है काम बनाती है, उसी से हम लोग का चल रहा है। कोई जेंट्स नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं और मम्मी है, बस हम 3-4 लोग हैं घर में। अच्छा, ये आपके शोहर जो है बेगुनाह फंसाए गए हैं, ये साजिदा नाम की जो औरत है, बताया जाता है कि यही तबस्सुम है, ऐसा कहा जा रहा है, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगी आपके शोहर की रिहाई के लिए? सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हेल्प करिए, बेगुनाह है मेरे शौहर, और इनको जल्द से जल्द रिहाई दिलाइए, और जो भी ये मतलब सब गैंग है उनको पकड़ने की कोशिश करी कि आगे कोई बेगुनाह कोई मासूम ना फंस जाए। ये साजिदा उर्फ तबस्सुम ये जो है ये एक बड़ा गैंग बना करके काम करते हैं और लोगों को यहाँ से जो है बाहर भेज करके उनके जरिए ड्रग्स भेजते हैं। जी जी हाँ, बहुत बड़ी गैंग है, बहुत बड़ी गैंग, बहुत बड़ी। शारिक और उनीबा कुरैशी की तरह कैसे गोरे मियां फंसे हुए हैं, किस तरीके से साजिदा नाम की महिला ने उन्हें भेजा? हमारे साथ में गोरे मियां की वालदा हैं, उनकी माँ हैं, अफसर जहाँ बेगम। माँ जी क्या बताएंगे आप? हम यही बताएंगे कि भैया हम मना कर रहे थे, मगर उसने इतना उनको पटा लिया बातों में कि वो कहने लगा मम्मी मैं 2 दिन में आता हूँ, आप टेंशन ना लीजिए, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। अच्छा। हाँ, और ये कह के वो भूल भी गया, पासपोर्ट यहाँ रखा था। हाँ। तो उस दिन रोज़े का दिन था, 27 रजब, तो हम लोग सब रोज़े से थे, तो मेरी लड़की को उसने फ़ोन किया कि बहन मेरी कैसे भी ला के तुम पासपोर्ट हमको दे दो, हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पर हैं। तो वो कहने लगी भाई एयरपोर्ट से वापस तुम आ जाओ, मत जाओ। तो कहने लगा नहीं, अब बात ख़राब हो जाएगी, हम यहाँ तलक आ गए हैं तो देखते हैं हम जाके कि क्या है। तो बस ये कहे कि, और वो मतलब पासपोर्ट उन्हीं ने दिया, बहन ने उसकी, और वो अंदर ही चले गए, घूम के भी नहीं देखा। ऐसा उसके दिमाग पे उसने क्या कर दिया कि बिल्कुल ही कुछ उसको होश ही नहीं, बेटा भी था तो बेटे को भी बाय ना कुछ नहीं, बस पासपोर्ट लेके सीधा एयरपोर्ट के अंदर चला गया। अच्छा, अभी कतर से गोरे मियां फ़ोन करते हैं, आपकी बहू से बात होती है, तो आपसे भी बात होती होगी, क्या बातचीत होती है, क्या बताते हैं गोरे मियां आपको? बस यही बताते हैं कि दुआ कीजिए और किसी से मदद मांगिए, यहाँ तो छुटना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो आवाज है मतलब बादशाह, हाँ, तो वो लोग अजीब ही हैं, कुछ समझते नहीं हैं, बस दुआ कीजिए खुदा से, बस यही बोलता है कि कुछ है ही नहीं। और बेटे की रिहाई के लिए भारत सरकार से क्या अपील करेंगे आप? भाई यही करेंगे कि भाई हमारे बेटे को कैसे भी आप लोग छुड़वा दीजिए, मदद कर दीजिए, मेरी 1.5 साल हो गया है, बहुत परेशान हो गए, अब कुछ भी नहीं घर में है जो हम बच्चों को खिला सकें या उनकी परवरिश कर सकें। अब हम हैं, हमारी बहू है, वो थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ाती है और हम सुई का काम करते हैं, वो उसी में घर चल रहा है, केबल एबल सब कट गया, कुछ भी नहीं घर में। हमारे साथ हैं गोरे मियाँ मुशर्रफ हुसैन मिर्ज़ा के बेटे कुमैल, छोटे बेटे 2 नंबर के हैं। कुमैल, तुम्हारे अब्बू बेगुनाह फंसे हुए हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी ने बताया, तुम्हारी दादी ने बताया, अपने अब्बू की रिहाई के लिए क्या अपील करोगे तुम? मोदी जी, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे डैडी बेगुनाह फंसे हैं, जल्द से जल्द उन्हें रिहाई अता करें।